हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि RTPS के माध्यम से जाति आवासीय आयाम अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, इसका अप्लाई कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले हम सबसे पहले इसके हम वेबसाइट पर जाएंगे। तो दोस्तों, इसका वेबसाइट जो है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसका वेबसाइट दोस्तों ये है service.onlinebihar.gov.in। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे, जो कि सर्विस प्लस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों, आईडी जब हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो लॉगिन करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ अपना डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लेता हूँ, आधार कार्ड और फोटो जो इसमें लगेगा। तो मैं यहाँ स्कैन कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ प्रिंटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से स्कैन कर लेते हैं स्टार्ट स्कैन। और 300 DPI में हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपना हम स्कैन कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों मेरा डॉक्यूमेंट्स स्कैन हो चुका है। इसको मैं यहाँ फ़ोटो और आधार कार्ड को हम अलग अलग यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ ओपन कर लेते हैं, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर इसमें हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से क्रॉप टूल से हम अलग अलग इसको क्रॉप करके और सेव एज करके अलग अलग फाइल को हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ फाइल पर आके आपको सेव एज करके कोई भी फ़ोटो का आप फाइल का नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर से हम Ctrl Z करके बैक आ जाते हैं और आधार यहाँ से हम अपना क्रॉप कर लेते हैं। आधार मेरा क्रॉप हो गया और सेव कर लिए। और दोस्तों, यहाँ मैं साइज में आपको दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ देख सकते हैं 23 KB का है, जो कि अप्लाई करने में 20 KB से ऊपर लगता है। और इसका जो साइज रहता है दोस्तों, ये 1 MB तक रहता है, तो 400 KB का यहाँ है, तो ये मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा दोनों। तो मेरा यहाँ साइज कंप्लीट हो गया और मैं इस वेबसाइट को हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं सर्विस प्लस आईडी को। यहाँ लॉगिन क्लिक कर लेते हैं लॉगिन का ऑप्शन, और यहाँ मेरी पहचान जो न्यू पोर्टल दोस्तों आ गया है, इसमें हम लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों, जिसके पास आईडी और पासवर्ड है, यहाँ लॉगिन करेंगे, आई एग्री करके साइन इन करेंगे, और जिनके पास नहीं है यहाँ से साइन अप करेंगे और आईडी बनाकर फिर उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड डाल के तब अपना लॉगिन करेंगे। जिनके पास दोस्तों डिजी लॉकर होगा, डिजी लॉकर का आईडी या डिजी लॉकर के माध्यम से लॉगिन करके और इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। मेरी पहचान पोर्टल में आप लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद अपना जाति आवासीय आय जो भी आपको अप्लाई करना होगा सब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी आईडी और पासवर्ड बनाए हुए हैं, आईडी और पासवर्ड डाल के और आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ साइन इन पर ओके कर देते हैं। और इस तरह से हमारा आईडी यहाँ लॉगिन हो रहा है। यहाँ OTP आपको आएगा ईमेल या मोबाइल पर, आप किसी एक आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उस जो भी आप सेलेक्ट किए होंगे ईमेल या मोबाइल, उस पर आपको एक OTP मिलेगा 6 डिजिट का। उसके बाद यहाँ OTP डालकर और साइन इन पर ओके करेंगे। यहाँ दोस्तों मैं साइन इन पर ओके कर दिया हूँ और मेरा आईडी यहाँ लॉगिन हो रहा है सर्विस प्लस का। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि वेलकम टू सर्विस प्लस, यहाँ मेरा आईडी लॉगिन हो चुका है, क्योंकि मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से अब हो रहा है। तो यहाँ मेरा आईडी ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है। और यहाँ अप्लाई फॉर सर्विस में हम चले जाते हैं, यहाँ व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस है आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहाँ सर्विस आपका सारा शो हो जाएगा। यहाँ सर्च करने का यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप यहाँ जो भी सर्विस अप्लाई करना चाहते हैं। इस इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों यहाँ मैं अप्लाई करने वाला हूँ, तो इनकम लिख देता हूँ। और इनकम से रिलेटेड सारा यहाँ डॉक्यूमेंट्स आ गया, SDO लेवल, RO लेवल, और दोस्तों यहाँ SDO लेवल दिया गया है। तो जो भी जो आपको अप्लाई करना हो यहाँ सेलेक्ट करके आपको कर देना है। तो मैं यहाँ RO लेवल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि ब्लॉक लेवल से बनता है। फर्स्ट में ब्लॉक लेवल ही बनेगा, उसके बाद SDO, तब DM लेवल बनता है। तो दोस्तों यहाँ फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर होगा। उसके बाद यहाँ से आपको एक सरनेम आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, और इसमें से आप चाहते हैं सरनेम तो सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कोई भी अभिवादन नहीं, इस पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नाम डालेंगे इंग्लिश में और हिंदी में, ऑटोमेटिक इधर बदल जाएगा जैसे ही स्पेस दबाइएगा। उसके बाद फादर नेम लिखेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको एक नाम लिख कर और दिखा देता हूँ कैसे हिंदी में कन्वर्ट होगा। हम इंग्लिश लिखेंगे और हिंदी में हमारा नाम जो भी लिखेंगे वो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होते जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो लिखा हूँ हिंदी में बदल गया। उसी प्रकार यहाँ फादर नेम, मदर नेम और माता सब यहाँ ऑटोमेटिक बदलते जाएगा। हस्बैंड नेम मत लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी अपना डाल सकते हैं। ईमेल पर आपको पीडीएफ बन के मिल जाता है। यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ अनुमंडल अपना सेलेक्ट करेंगे, जिस भी अनुमंडल से आप आते होंगे। उसके बाद यहाँ आपको प्रखंड का अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्थानीय निकाय पर करें आपको सेलेक्ट करना होगा, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। हमारा ग्राम पंचायत हो तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ वार्ड संख्या आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ ग्राम पंचायत, तो आप जिस पंचायत से बिलोंग करते होंगे यहाँ आपको पंचायत सेलेक्ट करना होगा। यहाँ अपना गाँव का नाम लिखेंगे, विलेज, जिस भी आप गाँव से आते होंगे अपना गाँव का नाम लिखेंगे। यहाँ पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, जो आपका पोस्ट ऑफिस होगा। उसके बाद यहाँ थाना अपना सेलेक्ट करेंगे, इसमें आपको लिखना नहीं है, आपको सेलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ थाना सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ अपना एरिया पिन कोड डालना होगा। उसके बाद यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आधार नंबर जो दिया है दोस्तों, इसमें अगर आधार नंबर आप डालते हैं तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा आधार से रजिस्टर्ड नंबर पर, तो मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ अपना पेशा यहाँ सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट हैं क्या है उस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आवेदन का उद्देश्य लिखेंगे, जो भी जिस उद्देश्य से आप बनाना चाहते हैं वहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ ऑल डिटेल्स दिया है कि इनकम आप किस स्रोत से आपका है, वो सब अपना डाल के और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डाल के यहाँ प्रोसीड पर ओके करेंगे। तो चलिए मैं डाटा सभी फिल करके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप हिंदी में कुछ कोई वर्ड यहाँ लिखते हैं और हिंदी में कन्वर्ट सही से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक मैं टूल बता देता हूँ, कैसे आप आसानी से उसको वहाँ लिख कर कॉपी कर सकते हैं, या यहाँ ट्रांसलेट का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक ऑनलाइन कन्वर्टर का यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ, ऑनलाइन इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ। hindichangati.com ये वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों ये पेज आपको पूरा आपको खोलना होगा, पूरा मतलब इंतज़ार करना होगा पूरा खुल जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ बदल जाएगा। उसके बाद उसी पर क्लिक करेंगे तो ऑल टाइप से यहाँ शो होगा, जो सही होगा आप यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और इसमें आपको आकर आपको पेस्ट कर देना है। उसी पर कहें पोस्ट अगर लिखते हैं, अगर आप सही से नहीं आता है कोई भी वर्ड आपको सही से नहीं उसमें आता है हिंदी, तो यहाँ आप लिख के उसको आप यहाँ कॉपी करके यहाँ से आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, यहाँ से कॉपी करके आपको वहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ मैंने सभी डाटा फिल कर लिए हैं, इस पर हम सबमिट पर कर देते हैं। यहाँ सबमिट करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप एक एक करके आपको चेक कर लेना है कि जो हम लिखे हैं, और कहीं भी आपको गलती लगे तो आप इसमें मॉडिफाई भी करने का आपको एक बार अभी मौका मिलेगा। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, सभी डाटा अपना वेरीफाई कर लेना है। तो मैं पूरा वेरीफाई कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं सारा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ स्व घोषणा पत्र भी दिया गया है, इसमें आप पढ़ कर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अटैच नेक्चर पर ओके करेंगे और आधार अपडेट करेंगे, यहाँ अपलोड करेंगे। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ एडिट का भी ऑप्शन दिए गए हैं, एडिट भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो मैं अटैच करता हूँ आधार कार्ड, अटैच नेक्चर पर ओके कर दिए। ओके करते ही दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट पेज हमारा इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आपको एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना होगा, बहुत सारा यहाँ ऑप्शन दिया गया है, जरूरी नहीं कि आधार ही आपको अपलोड करना होगा। इसमें से जो भी दिया है आप इसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ JPG PDF किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आधार अपलोड कर देता हूँ JPG में और सेव नेक्चर पर ओके कर देते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद फिर से आपको एक यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ सबमिट कर सकते हैं और सब कुछ सही है तो मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा आवेदन सबमिट हो चुका है और आय प्रमाण पत्र के लिए मैंने यहाँ अप्लाई किया हूँ, और यहाँ से मेरा यहाँ एनोलॉजमेंट इसका जनरेट हो गया है, फाइनल रिसिप्ट। इस प्रकार दोस्तों आप भी अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, और इसमें आपको समय 10 से 15 दिन लगता है। इसमें आपको डेट भी लिखा हुआ मिल जाएगा कब तक आपका इसका सेवा प्रदान करने की तिथि रहता है, कब तक आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह आप भी अपना आवेदन कर सकते हैं और घर घर बैठे अपना ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ दोस्तों यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आपको PDF करने का भी ऑप्शन मिलता है।
तो मैं यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।